আমি অনুরোধ জানাচ্ছি, প্লিজ আপনারা সবাই যাবেন না। हमारे बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़, हिंदू बंगाली हो, क्रिश्चियंस हो, हमारे बुद्धिस्ट हो, तिपरासाज हो, हमारे जो जनजाति लोग हैं, हम लोग सब बांग्लादेश में आज के दिन जब से शेख हसीना का सरकार हटा है, हमने देखा है सिस्टमैटिकली हमारे मंदिर, हमारे चर्चेस, हमारे पूजा घर, हमारे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हर दिन अटैक्स आ रहे हैं, हो रहे हैं। और मैं हमारे बांग्लादेश में जो हमारे माइनॉरिटीज़ है, मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अर्ज करना चाहता हूं कि जो माइनॉरिटीज़ के साथ, हिंदू बंगाली हो, हमारे त्रिपुरा के लोग हो, चाकमा हो, मोग हो, हमारे क्रिश्चियंस हो, उन सब का जो उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उनका प्रॉपर्टी जलाया जा रहा है, उनके महिला को उठाया जा रहा है, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज में ले जाकर, यूनाइटेड नेशन में ले जाकर बांग्लादेश को एक्सपोज करना चाहिए और उनके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए, क्योंकि वो अपने देश में अपने माइनॉरिटीज़ को रक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये 1940 में हुआ जब इंडिया का विभाजन हो रहा था, 50s में हुआ, 60s में हुआ, 70s में हुआ, 80s में हुआ, 90s में हुआ, कुमिल्ला में हुआ, नोआखाली में हुआ, ब्राह्मणबाड़ी में हुआ, कप्ताई में हुआ, खागरछरी में हुआ। हर 10 साल हम देखते हैं कि माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जाता है, पॉलिटिकल, सिस्टमैटिकली पॉलिटिकल प्रेशर डालकर, लेकिन असली उनका मकसद है कि हमारे लोगों का प्रॉपर्टीज छीना जाए, हमें अपने ही ज़मीन से बाहर कर दिया जाए। तो टाइम इज़ कम दैट द वर्ल्ड शुड नो वॉट बांग्लादेश इज़ डूइंग टू इट्स ओन पीपल एंड दे शुड बी एक्सपोज्ड बाय इंडिया एट द हाइस्ट लेवल इन द इंटरनेशनल फोरम। थैंक यू।